रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो राजधानी रायपुर से मिल रही है। किसानों का राजभवन में घेराव जारी है। मोतीबाग चौक से किसानों की रैली निकली राजभवन की ओर। किसान कूच कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान संगठन की ओर से यह प्रदर्शन किया जा रहा है और केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में यह प्रदर्शन चल रहा है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन देखा जा रहा है और एक बार फिर से किसान राजभवन की ओर कूच करने निकले हैं और राजभवन का घेराव किया जाएगा, साथ ही राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। तो एक बड़ी खबर रायपुर से बता रहे हैं। मोतीबाग चौक से किसानों की रैली निकली है जो राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी और लगातार ये मांग की जा रही है कि जो नया कृषि कानून लाया गया है उसको वापस लिया जाए। इससे पहले छत्तीसगढ़ में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया है और इसी पर सारा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता वैभव शिव पांडे जुड़ गए हैं। वैभव, रैली वहां से रवाना हो चुकी है, राजभवन की ओर कूच करने निकले हैं किसान, तो अभी ताजा अपडेट क्या कुछ मिल पा रही है और किस तरह की तस्वीरें देखी जा रही हैं? देखिए, राजभवन घेराव का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। मोतीबाग से ये रैली निकली है लेकिन उनको बंजारी बाबा के पास रोक दिया गया है। बंजारी बाबा जो चौक है वहां पे रोक दिया गया है। पुलिस की तैनाती है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस के अधिकारी जो है वो किसान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और ये उनका पूरा प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन किसान जो है वो अड़े हुए हैं राजभवन जाने के लिए। मेरे साथ इस वक्त प्रगतिशील किसान संगठन के संयोजक है। आप लोग को राजभवन जाने नहीं दिया जा रहा है, आगे क्या कार्यक्रम है? देखो, गवर्नर जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के प्रधान है और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि है। आज पूरा देश में किसान मन आंदोलन कर रहे थे। गवर्नर हाउस जो है वो पहली से सूचना है कि प्रदेश के सैकड़ों किसान आज रायपुर में आने वाला है। हमारा बड़ा अफसोस के साथ कहने लगा था कि हमारे छत्तीसगढ़ के गवर्नर मैडम ला ये प्रदेश के आए हुए अनेक जिला के किसान मन संग 2 मिनट गोठियाए के समय नहीं है। इतना असंवेदनशील हमारे यहाँ के गवर्नर है। यहाँ तक कि गवर्नर हाउस के एक अधिकारी भी यहाँ हमारे ज्ञापन लेवर आए पर तैयार नहीं है। ये गवर्नर हाउस जो है छत्तीसगढ़ के मामला में हम समझते हैं हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा गवर्नर यहाँ है, ऐसा गवर्नर हाउस के अधिकारी यहाँ है जो किसान मन के प्रति इतना कठोर दिल है, असंवेदनशील है। लेकिन हम किसान मन बहुत अफसोस है। हमारे यही मन हमारे माई बाप है, हमारे पालक है। यदि पालक है बच्चा मन के बात नहीं सुनी तो यहाँ से जाए के बाद हम देखो कि हमें आगे और क्या करना है। निश्चित रूप से गवर्नर के खिलाफ हम सेंट्रल गवर्नमेंट ने चिट्ठी लिख बोन कि किसान मन के हित में बात सुनने पर तैयार समय नहीं है मैडम के पास, ये मैडम ने यहाँ से हटाए। हम देख रहे हैं कि केंद्रीय कृषि कानून को लेकर के जबरदस्त विरोध चल रहा है। पंजाब और दिल्ली हरियाणा जैसे जगहों पे जबरदस्त प्रदर्शन है। आखिर दिक्कत कहाँ पे है, उसको लेकर की इतनी नाराजगी क्यों? दिक्कत है केंद्र सरकार जो 3 कानून बनाए हैं वो कानून से किसान मन को कोई फायदा नहीं। किसान मन एकमात्र एक ही मांग है, न्यूनतम गारंटी मूल्य कानून बना दो। केंद्र सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हो कर मतलब मैं न्यूनतम गारंटी मूल्य घोषित करे और एक कानून बना दे कि एकर से कम में मंडी के अंदर हो, मंडी के बाहर हो, छत्तीसगढ़ में हो, राज्य के अंदर हो, राज्य के बाहर हो, कहीं भी किसान बेचाए व्यापारी खरीदे, ये गारंटी मूल्य से कम में खरीदी बिक्री नहीं हो सके। ये न हमारे केंद्र सरकार लागू करे पर तैयार है और हमारे भूपेश बघेल के सरकार है एक दिन के विशेष सत्र बुलाए रही से बड़े 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 बात कर रही से किसान मन के हित के रक्षा करूंगी के 7 संशोधन पारित करे हैं मगर वो में एक बात किसान मन के गारंटी मूल्य बात नहीं है। तो ये दोनों सरकार केंद्र के मोदी सरकार और राज्य के बघेल सरकार एक किसान मन के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे, छल कर रहे थे, फरेब कर रहे थे। तो एक पूरा देश भर के किसान मन केंद्र सरकार के खिलाफ और हम छत्तीसगढ़ के किसान मन है दोनों सरकार के खिलाफ है यहाँ रायपुर में सड़क में। बिल्कुल, और ये तस्वीरें आप देखिए कि जो किसान के जो प्रतिनिधि हैं, जो किसान संगठन के प्रतिनिधि हैं, वो इस वक्त बंजारी बाबा चौक पर मौजूद है। पुलिस वालों ने उनको रोक दिया है यहाँ पे। ये सभी राजभवन जाना चाह रहे हैं लेकिन पुलिस वालों ने रोका है। कारण क्या बताया है, आखिर क्यों रोका गया है किसानों को?
देखिए पुलिस वालों के तरफ से ये कहना है कि इनको आगे जाने की अनुमति नहीं है, कोरोना संकट है और ऐसे में जो गाइडलाइन है उसका पालन करना है, उन निर्देशों का जो है पालन करना है। यहाँ पे हमारे साथ पुलिस के अधिकारी भी है, जरा उनसे पूछते हैं। सर ये बताइए क्या इनको राजभवन जाने की अनुमति नहीं है? राजभवन जाने की अनुमति नहीं है। तो क्या इनके जो है प्रतिनिधि वो जाएंगे राजभवन? कुछ सूचना है राजभवन से आप लोगों के पास? नहीं, जैसे भी बात चर्चा हुई है उसमें प्रशासन से एक प्रतिनिधि आएगा, इन लोगों का ज्ञापन लेगा। तो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि फिलहाल जो है अनुमति नहीं है इन लोगों को राजभवन जाने के लिए। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ मौके पर पहुंचेंगे और उनका ज्ञापन वो जो है रिसीव करेंगे और वो फिर राज्यपाल तक उसको पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन किसान जो नेता है, किसान के जो प्रतिनिधि हैं, वो राजभवन नहीं जा सकते क्योंकि राजभवन से उनको मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। तो बाबा कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राज्यपाल से आज मुलाकात संभव नहीं होती हुई दिखाई दे रही है, बाकी ज्ञापन ले लिया जाएगा। और इससे पहले छत्तीसगढ़ में हस्ताक्षर अभियान चलाया, आज राजभवन का घेराव करने किसान पहुंचे थे। तो लगातार जो इसके विरोध में, कानून के विरोध में देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। अब आगे किस तरह से इसको लेकर विरोध किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और जबलपुर में